सो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आज मैं कुछ बेसिक डेफिनेशन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अभी, है ना। कुछ जो टर्म्स यहाँ पे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यूज होने वाले ना, उन सबको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है। सपोज दिस इज अ कंटेनर, और इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे गैसेस कंसीडर कर लिए। ये गैसेस के एटम्स हैं, या फिर आप इनको मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हो। सपोज दीज आर द गैसियस एटम्स, ये गैसेस के एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं। किस टाइप का मोशन होता है इनका? गैसेस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन होता है, ठीक है ना। इनका रैंडम मोशन होता है। अब कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे ले रहा हूं। सबसे पहले ये सपोज मैंने यहाँ पे गैसेस, ठीक है। स्मॉल एम का मतलब मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे? इट इज मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल। वन एटम या फिर वन मॉलिक्यूल का जो मास है, मैं उसको अभी स्मॉल एम से डिनोट करने वाला हूं इस चैप्टर पे, ठीक है। मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल। देन कैपिटल एन का मतलब क्या रहेगा? कैपिटल एन इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स। कैपिटल एन हम किसके लिए यूज करेंगे? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स के लिए। अब बात कर ले टोटल मास ऑफ गैस, टोटल मास ऑफ गैस ये कैसे निकाल लोगे यहां पे? कैपिटल एम इज स्मॉल एम इंटू एन, इट इज टोटल मास ऑफ गैस, इट इज टोटल मास ऑफ गैस, कैपिटल एम। फिर आगे टर्म आ रहा हूं मैं, इट इज एन ए, एन ए इज एवोगैड्रो नंबर, इट इज एवोगैड्रो नंबर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 × 10²³ आइटम्स पर मोल हम इसको बोलते हैं। तो एवोगैड्रो नंबर बेसिकली कलेक्शंस है। जैसे आप 1 डजन बोलते हो ना, 1 डजन, 1 डजन का मतलब कितना होता है? कलेक्शन ऑफ 12 आइटम, है ना। जैसे 1 डजन बनाना मतलब 12 बनाना हो गया, 1 डजन ऑरेंज, है ना, 1 डजन पेन एक्सेट्रा। तो डजन का मतलब हो गया कलेक्शन ऑफ 12 आइटम, एंड मोल का मतलब इट इज कलेक्शन ऑफ 6.023 × 10²³ आइटम्स, ठीक है। इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोल रहे हैं। अब समझ ही गए होंगे कि भाई इतना लार्ज कलेक्शन हम क्यों ले रहे हैं, जिसको हम, है ना, ये इतना लार्ज कलेक्शन क्योंकि गैसेस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, आप जिस कमरे में अभी बैठे हो वहां पे लाखों करोड़ों की संख्या में, तो आप वहां पे 12, 15, 20 ऐसा तो नहीं बोल सकते। इसलिए एक नए टर्म को हम, एक नए कलेक्शन को हम यहाँ पे ले रहे हैं, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। और अब हम आते हैं मॉलिकुलर मास, एम नॉट। एम नॉट का मतलब है स्मॉल एम इंटू एन ए, इसका मतलब क्या है? इट इज मॉलिकुलर, मॉलिकुलर मास। कंफ्यूज नहीं होना मॉलिकुलर मास एंड मॉलिकुलर वेट में, यहाँ पे सेम ही मीनिंग है मॉलिकुलर मास एंड मॉलिकुलर वेट की, है ना। आपको बहुत सारी बुक में कहीं पे मॉलिकुलर मास लिखा मिलेगा, कहीं पे मॉलिकुलर वेट लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना मॉलिकुलर मास और मॉलिकुलर वेट में, एक ही मतलब रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपको अलग अलग बुक में हो सकता है अलग अलग मिल जाए ऐसा, या किसी क्वेश्चन में मॉलिकुलर मास वर्ड यूज कर ले, किसी क्वेश्चन में मॉलिकुलर वेट यूज कर ले, उसका मतलब सेम ही होता है, मॉलिकुलर मास और मॉलिकुलर वेट यहाँ पे, ठीक है, और मॉलिकुलर वेट। बट हम अवॉइड करेंगे मॉलिकुलर वेट लिखना, है ना, क्योंकि वेट आपका हो जाता है फोर्स,
एंड मास इज स्केलर क्वांटिटी, बराबर है। मॉलिकुलर वेट हम अवॉइड करेंगे, बट आपको बुक में वेट भी मिला, हो सकता है। तो एम नॉट इज मॉलिकुलर वेट। अभी मॉलिकुलर वेट मतलब देखो टोटल मास ऑफ गैस, मान लो यहाँ पे एन मॉलिक्यूल्स हैं गैस के और एक मॉलिक्यूल या एटम का मास कितना स्मॉल एम, तो टोटल मास मतलब स्मॉल एम इनटू एन। ऐसे मॉलिकुलर मास मतलब मास ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, उसमें आप एवोगैड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाता है, मॉलिकुलर वेट निकल जाता है, मॉलिकुलर मास निकल जाता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं अपन। एग्जाम्पल से अगर हम समझे, जैसे ऑक्सीजन O2 की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट इज मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन या मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 ग्राम पर मोल। रिमेंबर इट इज 32 ग्राम पर मोल है ना, 32 ग्राम पर मोल, 32 ग्राम पर मोल, ठीक है, 32 ग्राम पर मोल है ना, 32 ग्राम पर मोल मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, 32 ग्राम पर मोल। और आप ऐसा समझ लो कि अगर हम 1 मोल O2 गैस लें तो उसका मास कितना आएगा, 32 ग्राम आएगा इसका मास, सो इट इज 32 ग्राम पर मोल। आप इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 केजी पर मोल भी आप बोल सकते हो। जैसे मोनोएटॉमिक ऑक्सीजन का जो मॉलिकुलर मास है इट इज 16 ग्राम पर मोल, ठीक है। नाइट्रोजन N2 डायटोमिक, इसका मॉलिकुलर मास कितना आएगा, इसका मॉलिकुलर मास है 28 ग्राम पर मोल, ठीक है। हीलियम के लिए अगर मैं बात करूं तो हीलियम के लिए कितना आएगा मॉलिकुलर मास, हीलियम का होता 4 ग्राम पर मोल। समझ गए कि नहीं? अब आप लोगों ने देखा होगा जैसे इसमें पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में आपको मॉलिकुलर मास जैसे फ्रैक्शन में भी देखेगा 23 पॉइंट कुछ। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का मॉलिकुलर मास आपको 23 पॉइंट कुछ दिखेगा, ठीक है। तो वो एक्चुअल में पॉइंट इसलिए आते हैं क्योंकि उनके होते हैं आइसोटोप, और आइसोटोप होने के कारण उनका वो एवरेज मॉलिकुलर मास आता है, इसलिए वहां पे आपको पीरियोडिक टेबल में ये जो वैल्यूज हैं कुछ मॉलिकुलर मास की वो आपको फ्रैक्शन में भी दिखेंगी, है ना। एक्चुअल में वो एक सिंगल उसकी नहीं है, वो पूरा जो उसके आइसोटोप्स हैं उसको पूरा एवरेज लेके लिखा गया है उसमें, तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन में मॉलिकुलर मास दिया रहता है लेकिन कुछ के आपको सीधे सीधे याद रहने चाहिए मॉलिकुलर मास, है ना। जैसे ऑक्सीजन का हो गया, नाइट्रोजन का हो गया, हीलियम का हो गया, इनके मॉलिकुलर मास हमको याद रहने चाहिए। बाकी के क्वेश्चन में गिवन होते कि इस एटम का या इस मॉलिक्यूल का मॉलिकुलर मास कितना है ना, ये गिवन रहता है, बट कुछ के आपको याद रहने चाहिए जो बिल्कुल कॉमन हो गए, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा ये, कोई डाउट, हेलो कोई डाउट इस पे, हेलो कोई डाउट है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, एक मिनट पेज नंबर डाल दूं मैं, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना, दिस इज पेज नंबर 1, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए, ओके। अभी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, बट ये सब बेसिक बेसिक टर्म्स चल रहे हैं। जैसे O2 मॉलिक्यूल का 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उसमें, अगर मान लो हम ऑक्सीजन डायटोमिक गैस ले लें, O2 गैस ले लें हम, और अगर 32 ग्राम लें उसका, तो कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे उसमें, कितने मॉलिक्यूल रहेंगे 32 ग्राम, हाँ ये एवोगैड्रो नंबर के बराबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स रहेंगे, और अगर 16 कर दोगे तो आधे हो जाएंगे उससे, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, यस सर। अब आते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल, अब इस पे
ये तो हो गया मास से रिलेटेड कैलकुलेशन। नाउ दिस इज पेज नंबर टू। फिर है नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन, स्मॉल एन इज एन अपॉन एन ए, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, तो ये बनेगा नंबर ऑफ मोल, या फिर मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो इट इज स्मॉल एम इनटू एन एंड इट इज स्मॉल एम इनटू एन ए, बात तो वही हुई। तो नंबर ऑफ मोल का कैलकुलेशन आप आइदर नंबर डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर या मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास से कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो यहाँ पे O2 गैस है, कितने ग्राम गैस है O2, सपोज इट इज 62 या फिर मैं ले लूं 48 ग्राम O2 है, तो 48 ग्राम मतलब कितने मोल हो जाएंगे यहाँ पे, सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल विल बी मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मास हो गया इसका 48 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका 32 ग्राम पर मोल। देखो पूरा लिखोगे ना तो बिल्कुल बराबर आएगा, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया एंड इट इज 3/2 बराबर है, इट इज 3/2 मोल, 3/2 मोल मतलब 1.5 मोल, बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, देखो बराबर आप लिख रहे हो तो यूनिट्स है ना। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे 48 ग्राम में कितने एटम्स आएंगे, सो देयरफॉर स्मॉल एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए, अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स निकालना है कितने मॉलिक्यूल्स इसके, तो इट इज नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, सो इट इज 3/2 लिख दूं मैं अभी, 3/2 मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर 6.023 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल, तो यहां पे देख सकते हो मोल से मोल हो जाएगा कैंसिल, और फिर और सिंप्लीफाई कर दोगे तो इट इज 3 इंटू 2 × 2 × 2 × 3 = 6 0 1 1 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। क्लियर हो गया, तो n की वैल्यू निकल गई, मतलब 48 ग्राम में, अभी इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इतने मॉलिक्यूल्स हैं किसके, O2 गैस के, समझ गए, क्लियर हो गया, अभी कोई डाउट yes, sir. काउंट करना है तो स्क्रीनशॉट लो इस पेज का बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। कैलकुलेशन समझ गया ना बिल्कुल, नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करना, ये कैसे कैलकुलेट करना है ना। आगे बढ़ता हूं मैं, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। देन पेज नंबर थ्री। सर रुको, अरे रुक ले अभी जल्दी से, हो गया सर, नेक्स्ट पेज आएगा पेज नंबर थ्री अभी। तो हमने नंबर ऑफ मोल निकालना सीख लिए, अभी गैसेस के लिए कुछ और टर्मिनोलॉजी आती है यहां पे। नाउ पी, पी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इट इज प्रेशर ऑफ गैस। अभी इसमें फोर्स की बात क्यों नहीं करते, देखो भाई पूरी फिजिक्स में आपको वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है, फोर्स, एनर्जी, यही सब मिलने वाला है, तो यहाँ पे हम फोर्स की बात तो नहीं करेंगे लेकिन हम प्रेशर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गैस क्या है, फ्लूइड है, और जैसे हम बात करेंगे कि भाई मेरी बॉडी पे गैस का कितना फोर्स आ रहा है, तो ये इरेवेलेंट है, क्योंकि आप काउंट थोड़ी करते बैठोगे यहाँ पे, है ना, कि गैस के कितने एटम्स हैं या कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन मेरी बॉडी पे यहाँ पे गैस का प्रेशर कितना है, ये आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे इस व्हाइट बोर्ड पे गैस के एटम्स का कितना प्रेशर लग रहा है, ये कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन फोर्स का कैलकुलेशन करना जाएंगे तो भाई व्हाइट बोर्ड पे तो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स एट अ टाइम पे टकरा रहे हैं, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, इसलिए अब हम यहाँ पे फोर्स की जगह पे क्या डिस्कशन में ले रहे हैं, यहाँ पे प्रेशर में, प्रेशर का डिस्कशन हम ले रहे हैं, जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े ना, देखो बिल्कुल सिस्टमेटिक चल रही चीजें आपकी, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े, फ्लूइड में आपने
प्रेशर का डिस्कशन किए। तो मैकेनिक्स में आपकी जो पार्टिकल डायनेमिक्स थी, पार्टिकल डायनेमिक्स मतलब आप एक बॉडी या दो बॉडी कनेक्टेड बॉडी के लिए जब आप डिस्कशन कर रहे थे, जैसे आपने ये सब डिस्कशन किया कि भाई ये यहाँ पे एक ब्लॉक है, फिर एक पुली लिए, फिर दूसरे ब्लॉक को अटैच कर दिए, यहाँ पे आप फोर्सेस लिख ले रहे थे सीधे सीधे कि भाई इसका वेट आ गया mg, टेंशन फोर्स हो गया है ना, फिर इसका ये वेट हो गया m dash g, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन लग जाएगा एक्सेट्रा। तो ये पार्टिकल डायनेमिक्स थी, लेकिन जब हम फ्लूइड की बात करते तो वहां पे तो सिंगल पार्टिकल है नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे तो लाखों करोड़ों पार्टिकल है, तो अब हम फोर्स की बात तो कर नहीं सकते यहाँ पे, इसलिए हमने किसका कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं यहाँ पे, हम प्रेशर की कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो काम फोर्स कर रहा था वही काम यहाँ पे कौन कर रहा है, प्रेशर कर रहा है, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, प्रेशर के बाद हम बात कर ले यहाँ पे इसके अमाउंट की, कि भाई कितनी क्वांटिटी है, कितनी जगह पे रखा हुआ है। सो वी इज द वॉल्यूम, वी इज वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी मुझे बताना है ये वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। जैसे मान लो ये जिस कंटेनर पे रखी हुई है, सपोज इट इज 5 लीटर, 5 लीटर इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, हियर इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 5 लीटर। और एक गैस का जो वॉल्यूम है ये तो नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में। तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब ये छोटे छोटे वॉल्यूम्स का सम है कि फिर ये 5 लीटर आप लिखोगे। वॉल्यूम ऑफ गैस बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज 5 लीटर। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब इट इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ध्यान रखना, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब ये नहीं आएगा कि ये जो आपने गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स लिए अदर, इनका वॉल्यूम नहीं करना। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब वी इज इक्वल टू एन इंटू वी नॉट। एंड व्हाट इज वी नॉट, वी नॉट अगर मैं इनको स्फेरिकल साइज का ले लूं, इट इज वॉल्यूम ऑफ वन एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, वन एटम और मॉलिक्यूल, ये नहीं चलेगा हमको। और अगर मैं इनको स्फेरिकल साइज का ले लूं तो 4/3 πr³, इफ एटम और मॉलिक्यूल इज स्फेरिकल साइज, मॉलिक्यूल इज स्फेरिकल, मॉलिक्यूल तो कभी स्फेरिकल नहीं आएगा, एटम ही स्फेरिकल हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे गैस का वॉल्यूम का मतलब गैस का एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, है ना, ये एक्चुअल वॉल्यूम होता गैस का, दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस। बट हम जब कैलकुलेशन करेंगे वॉल्यूम ऑफ गैस की हम बात करेंगे तो ये काउंट नहीं करते, दिस इज दियर एक्चुअल वॉल्यूम। वट इज एन हेयर, एन इज नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। तो गैस के वॉल्यूम की अगर हम बात करते हैं तो हम उसका एक्चुअल वॉल्यूम नहीं लेते। तो आप जिस रूम में बैठे हो ना, गैस का एक्चुअल वॉल्यूम मुट्ठी भर होगा ज्यादा से ज्यादा, उससे भी कम। मतलब आप गैस के सारे एटम्स को किसी तरह से बिल्कुल इकट्ठा कर लो, एक मुट्ठी में आ जाएंगे आपके। सो दिस इज दियर एक्चुअल वॉल्यूम। लेकिन जब हम वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करेंगे यहाँ पे, तो ये एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है, ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता कभी भी, है ना, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब जैसे अगर हम बोले कि भाई आप जिस रूम पे हो उस रूम पे गैस का कितना वॉल्यूम है, तो आपको रूम के अंदर का वॉल्यूम चाहिए, रूम के अंदर का वॉल्यूम कितना है जहां जहां पे गैस हो सकती है, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं। सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। सो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है, नॉट द एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो एक्चुअल वॉल्यूम इज वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, क्लियर। तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पे 4n × 4/3 πr³, ये जो हीट है जिसको आप एक्चुअल वॉल्यूम बोल रहे हो, सो वी एक्चुअल इज मच लेस देन वॉल्यूम ऑफ गैस, इससे बहुत छोटा होता है। तो आप एक्चुअल वॉल्यूम की बात ही नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता कभी भी, ओके। एंड देन एक और टर्म में यहाँ पे डिस्कस कर लूं, दैट इज टेम्परेचर। अभी टी इज टेम्परेचर ऑफ गैस, तो टी इज टेम्परेचर ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल तो हमने देखा ही लिया। यहाँ पे कन्वर्जन ध्यान रखना बेटा,
1000 लीटर किसके इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब, मतलब 1 लीटर किसके इक्वल हो जाएगा 10^-3 मीटर क्यूब के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज 10^-3 मीटर क्यूब। और अब मैं यहां पे डिस्कस कर लूं डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। तो डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे मान लो हम यहां पे ले लें डेंसिटी ऑफ गैस मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। इट इज नॉट द मॉलिकुलर मास, इट इज टोटल मास। टोटल मास मतलब स्मॉल m इनटू n डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आप लिखोगे। वॉल्यूम मतलब ये वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना एक्चुअल वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ गैस में। जैसे इस कंटेनर का वॉल्यूम मान लो 5 लीटर है और यहाँ पे सपोज मैं कितने ग्राम गैस ले लूं, सपोज इट इज 20 ग्राम गैस है इसपे, है ना। तो इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी यहाँ पे, सो सपोज अगर ये 20 ग्राम है, इट इज 20 ग्राम डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम है, इट इज 5 लीटर। तो 20/5, तो 20/5 मतलब 4 ग्राम पर लीटर। दिस इज द डेंसिटी 4 ग्राम पर लीटर। बट आपको पता है कि ये एसआई यूनिट नहीं है, तो एसआई यूनिट के लिए आपको कन्वर्जन में जाना पड़ेगा ग्राम पर लीटर का। तो ग्राम पर लीटर का कन्वर्जन ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसका कन्वर्जन ग्राम पर लीटर केजी पर मीटर क्यूब में कितना होगा, ग्राम पर लीटर। केजी मतलब 10^-3 केजी हो जाएगा ग्राम से, और लीटर मतलब 10^-3 मीटर क्यूब हो जाएगा। सो ये तो आपका कैंसिल हो गया। देखो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आ गया, केजी पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी ग्राम पर लीटर पे है, दैट इज इक्वल्स टू केजी पर मीटर क्यूब। मतलब आपको कुछ यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आगे। सो 4 ग्राम पर लीटर कैन बी 4 kg/m³, ठीक है। ये इसकी डेंसिटी यहाँ पे। तो गैस की डेंसिटी का मतलब इसके एक्चुअल वॉल्यूम से नहीं होता, गैस की डेंसिटी मतलब जिस कंटेनर में आपने रखे हो उसके वॉल्यूम से होता है, ठीक है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए इसको? हेलो, क्या बेटा? सर आपने अभी जो लास्ट में बोला है, रिपीट कीजिए। मैंने लास्ट में ये बोला कि ग्राम पर लीटर का मतलब क्या है, केजी पर मीटर क्यूब है, देखो कैलकुलेशन से वही आता है, ठीक है। वो समझ गए आप लोग? हाँ सर। तो यस, ग्राम पर लीटर मतलब डायरेक्ट केजी पर मीटर क्यूब रहेगा, आगे से ध्यान रखना। मैंने लास्ट में ये बोला है कि जो डेंसिटी ऑफ गैस है, डेंसिटी ऑफ गैस मतलब एक्चुअल डेंसिटी नहीं है, है ना। यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब होता है मास ऑफ गैस तो रहेगा पूरा, लेकिन जो वॉल्यूम आएगा वो एक्चुअल वॉल्यूम नहीं है गैस का, वो किसके बराबर है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होता है, ठीक है। समझ गए? ओके सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। सर हाँ बोलो। सर एक बार प्रेशर फिर से बताना। प्रेशर ऑफ गैस, देख गैस yes, का गैस का प्रेशर क्यों आता है, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये रैंडम मोशन करते हैं, ठीक है। रैंडम मोशन करेंगे तो दीवार से टकराएंगे, दीवार से टकराएंगे तो इनके मोमेंटम में चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा तो फोर्स क्रिएट होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, न्यूटन सेकंड लॉ लग गया। समझ गया? और फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट एरिया अगर आप कर दो तो फिर क्या बन जाता है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर बन जाता है, बस यही तो है। या ओके सर। डेंसिटी ऑफ गैस को डेंसिटी ऑफ कंटेनर मान सकते हैं क्या? नहीं नहीं, यहाँ पे देख बात अलग अलग आ रही है। डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब डेंसिटी ऑफ कंटेनर नहीं है बेटा, डेंसिटी ऑफ कंटेनर का मतलब होता है जो कंटेनर आपका जिस मटेरियल से बना ना उसकी डेंसिटी होती है, वैसा नहीं है। मतलब यहाँ पे डेंसिटी ऑफ गैस का मतलब तो थोड़ी कहानी अलग आ रही है। डेंसिटी ऑफ गैस में गैस का मास आप गैस का लोगे और वॉल्यूम आप कंटेनर का लोगे जिस कंटेनर में वो गैस भरी हुई है। समझ गए? जैसे ये बॉक्स आपको दिख रहा है ना, पेंट बॉक्स, कलर बॉक्स है,
तो अगर मैं ये बोलूं कि व्हाट इज द मास वॉल्यूम ऑफ गैस इन दिस कंटेनर, तो क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस इन दिस कंटेनर मतलब इस कंटेनर के अंदर का वॉल्यूम आपको चाहिए, समझ गए? तो आइदर इट इज क्लोज्ड और ओपन, तब भी इस कंटेनर के अंदर जो गैस का वॉल्यूम, ये एसी का वॉल्यूम है, चाहे ये बंद हो चाहे खुला हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए? अरे समझ गए? और अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो गैस के गैस का वॉल्यूम, जैसे इस बॉटल में वॉल्यूम कितना है, तो गैस इस बॉटल का वॉल्यूम चाहिए आपको अंदर का वॉल्यूम जिसमें गैस, तो आप चाहे इसके कैप को खुला रखो चाहे बंद रखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुला हुआ है तब भी वही वॉल्यूम है गैस का, बंद है तब भी वही है, प्रेशर अलग अलग हो सकता है खुले होने में बंद होने में, तो मैं थोड़ा सा और उस पर बता रहा हूँ अभी, प्रेशर इसका मतलब क्या है। स्क्रीन शॉट लो इस पेज का, हेलो स्क्रीन शॉट ले लो, ले लिए स्क्रीन शॉट ले लिए क्या? यस सर। ओके, तो थोड़ा सा प्रेशर और वॉल्यूम को हम थोड़ा और एलोबरेट करते हैं अभी यहाँ पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 4, ध्यान देना अभी इसको हम इस तरह से एग्जांपल से समझते हैं। ये एक कंटेनर है मान ले, है ना, सपोज दिस इज एनी क्यूबिकल कंटेनर, ये एक क्यूबिकल कंटेनर, इसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है, और इसकी साइड सपोज कितनी है, 10 सेंटीमीटर साइड है इसकी, और ये जो कंटेनर है ना अभी ये ऊपर से खुला हुआ है और बाकी तरफ से हम इसको बंद कर देते हैं, और ऊपर से खुला हुआ अभी बाकी तरफ से अपन ने इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया है, है ना, ठीक है, ऊपर से ओपन है बाकी तरफ से बंद है, तो ये ओपन है, यहां से ओपन, बाकी तरफ से क्या है, ये बंद है, पैक है, क्लोज्ड है, और ये क्यूबिकल कंटेनर है। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस हियर, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस V इज इक्वल्स टू A क्यूब, मतलब 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ये है ना, अगर ये क्यूबिकल है तो, समझ गए कि नहीं, क्यूबिकल से बता रहा हूं मैं यहां पे, समझ गए? तो वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब कितना है यहां पे, इट इज 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, यहां पे गैस का वॉल्यूम, हम एक्चुअल वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं कंटेनर का वॉल्यूम, अभी प्रेशर की अगर हम बात करें, क्योंकि ऊपर से ये ओपन है, तो ऊपर से ओपन है मतलब इधर पे आपका हो गया एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट पे है मतलब गैस के एटम यहां से आसानी से एक्सचेंज हो रहे हैं, तो गैस के अंदर का जो प्रेशर है यहाँ पे ओपन होने के कारण, यहाँ पर गैस का जो प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑफ गैस कितना रहेगा, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ गैस, सो पी इज प्रेशर ऑफ गैस इज तो अगर ओपन है एटमोस्फेरिक एयर, इसमें एक्सचेंज हो रही है, तो वॉल्यूम तो इतना ही है यहाँ पे, लेकिन प्रेशर किसके इक्वल हो गया यहाँ पे, इसका 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर हो गया, समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? ये फिक्स्ड है ना? हाँ ये फिक्स है, अगर ये ओपन है ऊपर से तो ये फिक्स हो गया। अभी चलो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका ढक्कन बंद कर देता हूँ यहाँ पे, अभी सब कुछ वही है, यहाँ पे मैं इसका ढक्कन और बंद कर देता हूँ, ये हमने ऊपर से भी बंद कर दिया, अभी साइड इज स्टिल 10 सेंटीमीटर, और अब हमने इसको क्लोज कर दिया पूरा। What is the volume of gas here? अभी पूरा बंद कर दिया आपने, अब volume of gas कितना है यहाँ पे? सुनते नहीं रहेगा। नहीं, ये volume of gas है ना? Again the volume is same. What is pressure? What is pressure? Pressure कितना रहेगा? सर volume की कितनी रहेगा? Pressure कितना रहेगा?
देख ये जैसे मेरे पास पी कप है, अभी इसके अंदर गैस का कितना वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ गैस इन द दिस कप, इसमें कोई वो नहीं है, मतलब चाय आई नहीं है, वॉल्यूम ऑफ कप, वॉल्यूम ऑफ कप है। अभी इसका प्रेशर कितना है यहाँ पे गैस का एटमॉस्फेरिक, वो ओपन है क्या, एटमॉस्फेरिक ओपन है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। ठीक है चलो मैंने इसको ऐसे रख दिया, अभी वॉल्यूम ऑफ गैस कितना अभी भी, सर वॉल्यूम ऑफ कप, वॉल्यूम ऑफ कप है ना, और गैस का प्रेशर कितना है। देखो अभी खोले से मैंने डायरेक्ट ढका हूं, यहां से गैस है कुछ भी बाहर नहीं निकालू मैंने, इसका मतलब अभी गैस का प्रेशर कितना है, सेम है, समझ गए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, समझ गए कि नहीं? नहीं समझे। अरे आपने बस खोला हुआ था और आपने बस एक ढक्कन लगा दिया, तो अंदर जो प्रेशर है वही तो रहेगा ना, अभी कुछ भी चेंजेस नहीं किए ना तुमने, बस ढक्कन पैक किए हो, बाउंड्री क्लोज किए हो। ठीक है हेलो, अरे समझ गए क्या, हेलो नहीं समझा अभी भी, हाँ और एक बार और बताऊं। ठीक है सर, अगर हम वॉक्स को क्लोज भी कर देंगे तो उतने रहेंगे ना एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अभी मतलब आपने ओपन से बस क्लोज किया तो उतना ही रहेगा, वन मिनट है इसका, क्या था बेटा इसका, जैसे बता रहे थे ये जैसे मेरे पास ये कंटेनर अभी है ना, अभी तो बराबर देख रहा है ना, ये खुला हुआ है ट्रांसपेरेंट भी, मतलब अभी देखो इसमें जो गैस का वॉल्यूम है वो इस कंटेनर का वॉल्यूम है अंदर का, बराबर है? और अभी इसमें प्रेशर कितना गैस का, वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर है, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, अभी बस ये ढक्कन मैंने लगा दिया, अभी गैस का वॉल्यूम कितना अंदर, यही कंटेनर का वॉल्यूम, बराबर है, अरे कंटेनर का वॉल्यूम ही रहेगा ना, यस सर, अभी गैस का प्रेशर कितना अंदर, कुछ भी चेंजेस नहीं किया, ढक्कन खुला था वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और इसको ढक्कन को लगा दिए, तो अभी भी प्रेशर कितना रहेगा अंदर, 1 atm प्रेशर ही रहेगा है ना, कोई चेंजेस नहीं। अब देखो अभी क्या करते हैं, मैं यहाँ पर से, चलो मेरे पास एक वैक्यूम पंप है, ये सपोज वैक्यूम पंप है, अब मैंने इसको लगा दिया यहाँ पे होल करके कुछ ऐसा सिस्टम बना के, अब इसके अंदर की गैस को मैं बाहर निकालने लगा, वैक्यूम पंप है और इसको मैंने लगा दिया, अब इसकी गैस मैं बाहर निकाल रहा हूँ, क्या होगा अभी बताओ जरा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना रहेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस कितना रहेगा, इसमें से मैंने वैक्यूम पंप लगा दिया हूँ, ढक्कन बंद है, वैक्यूम पंप लगा के इसके अंदर की गैस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ वैक्यूम पंप से, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड द कंटेनर, वही रहेगा, वही रहेगा, क्योंकि कंटेनर थोड़ी बदले तुमने है ना, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, लेकिन प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा, जीरो हो जाएगा, नहीं जीरो, वैक्यूम पंप लगाने का मतलब ये नहीं कि प्रेशर पूरी गैस बाहर निकाल ली हमने, पूरी निकाल ली तो वॉल्यूम जीरो हो गया, अगर उसके अंदर एक भी मॉलिक्यूल है ना गैस का, तो गैस का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम रहेगा, ठीक है आप वैक्यूम नहीं बोलोगे, अगर इसमें से आपने पूरा 100% पूरी गैस बाहर निकाल दी, सारे एटम्स मॉलिक्यूल को गैस के बाहर निकाल दिए, तब फिर गैस का वॉल्यूम यहाँ जीरो होगा एंड फिर ये वैक्यूम बनेगा, है ना, तो वैक्यूम पंप का मतलब ये नहीं कि पूरा आप बाहर निकल जा रहा है, जब तक आपका एक भी मॉलिक्यूल इसके अंदर है तब तक गैस का वॉल्यूम है, तब तक गैस का प्रेशर है, समझ गए, क्लियर हो गया। तो अभी ये फिर से हम शुरुआत करते प्रोसेस, ये खोल दिया अपन ने, वापस पूरी हवा फिर से वही हो गई, एक्सचेंज हो गई, अभी यहाँ पर वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम, गैस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बराबर है, समझ गए? यस सर। ओके, ढक्कन लगाया मैंने, गैस का वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम, गैस का प्रेशर वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फिर वैक्यूम पंप लगाया हमने, अब मैं इससे गैस बाहर निकाल रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला पूरी निकल गई, अब गैस मैं बाहर निकाल रहा हूं वैक्यूम पंप से, क्या होगा, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम और प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, समझ गए कि नहीं, हेलो, प्रेशर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा प्रेशर, समझ गए ना, आप वैक्यूम पंप से गैस बाहर निकालते जा रहे हो तो प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, क्लियर हो गया, समझ गए कि नहीं, हेलो, यस सर,
ठीक है, और दूसरे तरीके बताओ प्रेशर डिक्रीज करने के। चलो हम वैक्यूम पंप नहीं लगाते हैं, ये ढक्कन खुला हुआ है, गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो गई, वॉल्यूम हो गया कंटेनर का, ढक्कन लगा दिया मैंने। अभी ये बताओ वॉल्यूम तो फिक्स हो गया अभी, है ना, अब गैस का प्रेशर किस तरह से और चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे कंटेनर के अंदर, गैस का प्रेशर और कैसे चेंज कर सकते हो? सर एक्सटर्नल फोर्स लगा के। एक्सटर्नल फोर्स लगा के कहाँ से हो जाएगा भैया, वॉल्यूम थोड़ी बदल रहे हो, ये वॉल्यूम फिक्स हो गया, इसको कोई चेंज नहीं करते हैं, गैस का प्रेशर अकेला चेंज करना है, वैक्यूम पंप नहीं लगा क्या सर, टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के? अभी देखो गैस का अमाउंट भी फिक्स कर देते हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल या एटम भी फिक्स कर दिए हमने, अब हम अगर इसका प्रेशर चेंज करना तो क्या करेंगे, नीचे से हीट करेंगे, गर्म करेंगे इसको, है ना, तो फिर जो रैंडम मोशन है टेम्परेचर गेन आएगा, रैंडम मोशन बढ़ेंगे और जल्दी जल्दी टकराएंगे दीवारों से तो प्रेशर बढ़ेगा गैस का, समझ गए कि नहीं? तो अगर आपने कंटेनर ये खुला हुआ है, इस ये गैस आ गई 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, इसका ये वॉल्यूम हो गया, ढक्कन लगा दिए, गैस अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, अब प्रेशर बढ़ाना है, क्या करोगे, गर्म करोगे नीचे से, गर्म करोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर क्यों बढ़ेगा गर्म करने से, क्योंकि रैंडम मोशन फास्ट होगा और ये कंटेनर के अंदर दीवारों से जो एटम्स या मॉलिक्यूल है वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, जल्दी जल्दी टकराएंगे मतलब ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे, ज्यादा फोर्स एग्जर्ट करेंगे मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है आपका, प्रेशर होता है, ज्यादा प्रेशर बनेगा, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं, हेलो समझ, है ना, आप एक सिंपल सा है कि अब चलो एक और काम करते हैं, अभी हमने ढक्कन को खोला, इसका गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है और इसका वॉल्यूम हो गया, इस कंटेनर का वॉल्यूम, ढक्कन मैंने लगा दिया अभी, ठीक है, फिक्स कर दिए, ओके, अब क्या कर रहे हैं हम, प्रेशर कम करना है, अभी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैक्यूम पंप से हवा बाहर नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, प्रेशर कम करना है, तो क्या करोगे आप, टेम्परेचर कम करो, आसपास बर्फ लगा दो तो इससे क्या होगा, अंदर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, समझ गए, हेलो, अरे समझ गए कि नहीं, Yes, sir. है ना, और दूसरे तरीके बताओ जरा, अभी एक तो प्रेशर को चेंज कैसे कर सकते हैं आप, और इसीलिए जो आइडियल गैस इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, देख पी वी इक्वल्स टू एन आर टी बराबर है, देख इसको अगर मैं कांस्टेंट कर दूं वॉल्यूम को, पी वी इक्वल्स टू एन आर टी में वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दूं तो पी प्रोपोर्शनल टू एन इंटू टी, आर तो कांस्टेंट है ही, तो प्रेशर कैसे चेंज कर सकते हो आप, टेम्परेचर चेंज करके, है ना, प्रेशर टेम्परेचर चेंज करके चेंज हो जाएगा कि नहीं होगा, समझ गए, प्रेशर कैसे चेंज हो सकता है, टेम्परेचर को चेंज कर दो, अरे समझ गया ना, यही कंटेनर है ना, वॉल्यूम फिक्स कर दिया आपने, ठीक है, वॉल्यूम फिक्स कर दिया अगर आपने तो प्रेशर कैसे चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज कर दो, नंबर ऑफ मोल चेंज कर दो, नंबर ऑफ मोल वही वैक्यूम पंप वाली कहानी, आपने वैक्यूम पंप लिए उससे हवा बाहर निकालने लगे तो भी प्रेशर चेंज होगा, या फिर आप यहाँ पे नोजल लगी हुई, जैसे हम साइकिल ट्यूब में हवा भरते हैं, बाहर से और हवा भरने लगो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे उतने ही टेम्परेचर पे, तो प्रेशर चेंज कैसे हो सकता आपका, टेम्परेचर चेंज करने से, नंबर ऑफ मोल चेंज करने से, हाँ प्रेशर वॉल्यूम को चेंज करने से भी होता है, ठीक है, चलो अभी बताना, ये ढक्कन खुला हुआ है, ठीक है, इसका गैस का वॉल्यूम मतलब ये कंटेनर का वॉल्यूम हो गया, प्रेशर अभी कितना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, टेम्परेचर कितना अभी रूम टेम्परेचर है यहाँ पे, ठीक है, अब मैं यहां से इसको गर्म कर रहा हूँ, नीचे से ढक्कन खुला हुआ है सिर्फ गर्म कर रहा हूँ, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड दिस कंटेनर, ढक्कन खुला हुआ है मैं नीचे से गर्म कर रहा हूँ, व्हाट इज द प्रेशर इनसाइड दिस कंटेनर, इंक्रीज, क्या इंक्रीज डिक्रीज और रिमेंस द सेम, सर इंक्रीज, इंक्रीजेस, नहीं ना भाई खुला हुआ ढक्कन है ना, गैस हां सर रिमेंस सेम जा सकती है, हां सर रिमेंस सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट पे है ना, समझ गए, डायरेक्ट सराउंडिंग के साथ ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी, डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर हो रहा है ऐसा समझ ले, चेंज हो रहा है क्या कुछ नहीं, तो अगर ढक्कन खुला हुआ है नीचे से तुम टेम्परेचर बदलते जाओ, गैस का वॉल्यूम उतना ही है
और गैस आसानी से एक्सचेंज हो रही है तो प्रेशर हमेशा उतना ही रहेगा। हाँ, फर्क इसमें आएगा, आप नीचे से गर्म करोगे प्रेशर उतना ही रखने के लिए, यहां से कुछ गैस के एटम बाहर निकल के भाग जाएंगे, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा ऑफकोर्स। यहाँ पे टेम खुला हुआ है तो वॉल्यूम रिमेंस द सेम, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम हो जाएगी, तब तो प्रेशर फिक्स रहेगा ना। तो एन और टी का प्रोडक्ट मिलकर कॉन्स्टेंट बनता है, वॉल्यूम आपका फिक्स हो गया, आप नीचे से गर्म कर रहे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किसको कम होना पड़ेगा, एन को कम होना पड़ेगा, एटम्स को कम होना पड़ेगा यहाँ पे, समझ गए। तो गैस के एटम्स कम आएंगे लेकिन प्रेशर उतना ही रहेगा वहां पे, क्यों, क्योंकि बाहर सराउंडिंग से ये खुला हुआ है। क्लियर हो गया कि नहीं, हेलो क्लियर हो गया कि नहीं, अरे भाई समझ गए, हेलो समझ गए सर, समझ गए ओके। चलो अभी वॉल्यूम चेंज करके भी हम प्रेशर बदल सकते हैं, वॉल्यूम को चेंज कर दें तब भी प्रेशर बदलता है, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सिलेंड्रिकल कंटेनर अगर हम लेते हैं, सिलेंड्रिकल कंटेनर अगर मैं ऐसा ले रहा हूँ, सॉरी पिस्टन, अभी खोली गई है ना, होली में पिचकारी देखा कि नहीं देखा तुम लोगों ने, देखा ना पिचकारी, खेले भी नहीं होली, ठीक है, ये गैस भरी हुई है इसमें, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पे अभी इसका कुछ वॉल्यूम है, अगर मैं पिस्टन को थोड़ा अंदर दबाता हूँ क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। जैसे अगर मान लो मैंने यहाँ पे अभी गैस भर दिया 1 atmospheric प्रेशर और वॉल्यूम सपोज 2 liter है इसमें, या 5 liter ले लो अंदर का वॉल्यूम, है ना। ये पिस्टन है, मूवेबल पिस्टन है यहाँ पे, अगर ये मूवेबल पिस्टन को मैं थोड़ा सा और नीचे ले जाता हूँ, ठीक है, ये पिस्टन को मैं नीचे लेके जाता हूँ यहाँ से, वॉल्यूम उतने रहेगा कि डिक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, डिक्रीज करेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम आप रिड्यूस हो जाएगा भाई, 5 liter से कुछ और कम हो जाएगा, 5 liter से ये डिक्रीज होके यहाँ पे अब मान लो कितना बच रहा है, ये जो वॉल्यूम बच रहा है ये 2 liter बच रहा है, तो प्रेशर उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा अभी। सर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, हाँ, लेकिन अभी यहाँ पे देख, अब इसमें क्या चीज फिक्स हो गई आपकी, नंबर ऑफ मोल फिक्स हो गए, क्योंकि अगर यहाँ से ये टाइट है, बस आप वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, वॉल्यूम को अगर आप कम ज्यादा कर सकते हो यहाँ पे, तो क्या चीज, कौन सी क्वांटिटी फिक्स हो गई यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल फिक्स हो गए आपके, एन इज कॉन्स्टेंट, एन इज कॉन्स्टेंट मतलब जो भी नंबर ऑफ मोल है, मान लो इसमें 3 mole गैस भरी थी, तो अब यहां से गैस के एटम बाहर अंदर बाहर एक्सचेंज नहीं हो गए, ठीक है, मतलब अब आपके पास कहानी कैसी बन रही है, पी भी इज प्रोपोर्शनल टू टी वाली कहानी बन रही है ना, पी भी इज प्रोपोर्शनल टू टी, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अगर मान लो टेम्परेचर सेम रखते हो किसी तरह से, टेम्परेचर अगर आप सेम रख रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ऑफकोर्स ये टेम्परेचर सेम है, मतलब फिर प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर टेम्परेचर भी कम कर दो वॉल्यूम भी कम कर दो, ठीक है, तो हो सकता है प्रेशर कम हो या हो सकता है ज्यादा, तो ऐसी इनफाइनाइट सिचुएशन ऐसी बन सकती है, बहुत सारी कंडीशंस बनती हैं ऐसी, समझ गए, हेलो समझ गए या नहीं, अरे समझ गए या नहीं, यस सर, है ना। तो हमको जो फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें यही पढ़ने वाले हैं, यही कहानी आने वाली है आगे चलकर, इसी तरह से पढ़ने वाले फिजिक्स में, है ना। तो केमिस्ट्री में जो आप गैसियस स्टेट पढ़ते हैं वो थोड़ी अलग ट्रैक पे चलती है, और हमारी फिजिक्स में हम जो गैसियस स्टेट पढ़ रहे हैं है वही, बॉयल्स लॉ हम भी पढ़ने वाले, चार्ल्स लॉ हम भी पढ़ने वाले, बट मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को इस पे, क्योंकि ऑलरेडी केमिस्ट्री पढ़ा, तो मैं लॉ को डिफाइन नहीं करूंगा, अप्लाई कैसे करते हैं अब वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है, बॉयल्स लॉ कैसे अप्लाई करना, चार्ल्स लॉ कैसे अप्लाई करना, तो उसका डिस्कशन है। तो अभी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया, गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, ये सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, टेम्परेचर, ये सब, हेलो है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अब हम आते थोड़े और अलग कैलकुलेशंस पे, इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है क्या, वैसे तो रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है, तो कोई ऐसा डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं है, चाहो तो ले सकते हो इस पेज का स्क्रीनशॉट, की वो दिमाग में रहेगा कि सर ने क्या बताए थे, ठीक है। सर आपने बोले थे कि अगर हीट दे रहे हैं तो, और अगर मतलब एटमॉस्फेयर से मतलब ओपन रख रहे हैं, हाँ,
हाँ तो उसका जो प्रेशर रहेगा वो चेंज नहीं होगा सर, बट अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी तो बढ़ेगी ना, मतलब प्रेशर तो हाँ बढ़ेगा ही ना। सुन सुन, उसमें ऐसा नहीं बोला था मैंने, मैंने ऐसी थी कहानी वो कि ये ढक्कन खुला हुआ है ना, अभी मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहाँ पे फिक्स है, सॉरी सराउंडिंग एयर से मॉलिक्यूल आसानी से ट्रांसफर हो जा रहे हैं, बराबर है। गैस का वॉल्यूम अभी इसी कंटेनर का वॉल्यूम ही, लेकिन अगर तुम नीचे से हीट दोगे तो वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा, क्योंकि सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट पे है डायरेक्ट एयर का, तो जो प्रेशर है वो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा। ठीक है, क्या किसमें फर्क आएगा? आप गर्म करोगे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे ये खुला हुआ है आप गर्म कर रहे हो, इस प्रोपोर्शनल टू एन टी मैंने बोला, यहाँ पे गर्म कर रहे हो टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्योंकि प्रेशर तो फिक्स ही है क्योंकि खुला हुआ बर्तन है, है ना, प्रेशर इसलिए फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जितने अभी नॉर्मल टेम्परेचर पे जितने गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल हैं, खुले हुए पे तुम गर्म करोगे तो यहाँ पे जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं वो कम हो जाएंगे और प्रेशर सेम रहेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझ गया? हाँ हर्ष सर, समझ गया कि नहीं? हाँ हाँ सर, ओके। लेकिन यही कहानी अगर हम ऐसी कर दें कि ये डिब्बा है अभी खुला हुआ है, मैंने यहाँ पे बस बंद कर दिया अभी इसको, अभी गैस का वॉल्यूम कितना है इस कंटेनर पे? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम कितना अभी इस पे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कंटेनर। चलो अभी मैं नीचे से गर्म करता हूं, अब इसमें से एन की वैल्यू चेंज हो रही है क्या? तुमने ढक्कन लगा दिया तो नंबर ऑफ मोल अब फिक्स हो गए, बाहर निकल सकते हैं क्या ये? नहीं नहीं निकल सकते। तो अब तुम नीचे से गर्म कर रहे हो, नीचे से गर्म कर रहे हो तो आप ये बढ़ रहा टेम्परेचर, ये बाहर नहीं निकल सकता, ये बढ़ रहा है तो आप, और वॉल्यूम भी फिक्स हो गया, तो फिर क्या है, क्या चीज बढ़ेगा? प्रेशर बढ़ेगा सीधा सीधा। समझ गए? अरे समझ गए या नहीं? यस सर, ओके आगे बढ़ूंगा यार। यस सर, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, कुछ और कैलकुलेशन देखते हैं अभी अपन आ रहे हैं इस स्पीड और ये सब कैलकुलेशन, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लीजिए सर। पेज नंबर 5। दिस इज पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे देखो अभी ना कैलकुलेशन, अभी ये कंटेनर मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है, इस पे गैस के एटम्स हैं या फिर मॉलिक्यूल्स हम ले सकते हैं इसे, कोई इधर जा रहा है, 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 कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इनकी वेलोसिटी ले रहा हूँ, ये 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ये 4 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड और ये है 6 मीटर पर सेकंड। तो जो गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं है ना, क्या इनकी स्पीड सेम रहती कि अलग अलग रहती है? कुछ की सेम भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि सभी की स्पीड कैसी हो यहाँ पे सेम हो। यहाँ पे गैस के एटम्स की जो स्पीड होती है वो सेम होती है क्या? कुछ की सेम हो सकती है बट सभी की सेम होगी ऐसा जरूरी नहीं है, इवन एट द सेम टेम्परेचर। जैसे ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो भी गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं उनकी सभी की जो स्पीड है वो जरूरी नहीं है कि एक जैसी, वही टेम्परेचर सब सेम है यहाँ पे, बट स्पीड विल बी डिफरेंट, कुछ की सेम हो सकती है। समझ गए? हेलो, समझ गए कि नहीं? हेलो, है ना, अभी देखो यहाँ पे अगर यस खुला हुआ है ना एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में, ठीक है, यहाँ से कुछ एटम बाहर चले गए, कुछ यहाँ से बाहर निकल के आ गए, तो ऑन एन एवरेज फिक्स बना रहेगा यहाँ पे कंडीशन, वैसी से नॉर्मल कंडीशन है, रूम टेम्परेचर है,
वन एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है गैस का वो कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो इसमें ओवरऑल जो नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल है वो तो फिक्स होगा यहाँ पे इसके अंदर, है ना। तो ये सब रैंडम मोशन पे होते हैं, अगर मैं ढक्कन भी लगा दूं तो ठीक है, बस बाहर से एक्सचेंज नहीं होंगे लेकिन अंदर अंदर ये क्या हो रहा है, इधर उधर मूव कर रहे हैं बस। तो सभी की वेलोसिटी जरूरी नहीं कि सेम है, सभी की स्पीड सेम हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, सेम टेम्परेचर पे, मान लो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, बट सभी की जो स्पीड होगी वो जरूरी नहीं है कि सेम होगी, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब हम स्पीड के लिए कुछ कैलकुलेशंस देखते हैं। एक होता बेटा एवरेज वेलोसिटी, तो इनकी जो एवरेज वेलोसिटी वो जीरो, क्योंकि सबका रैंडम मोशन है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी कितनी बोलते हैं हम इसकी, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि फिक्स डायरेक्शन में मोशन नहीं है इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो है। एंड दूसरा जो पार्ट है दिस इज एवरेज स्पीड, कैसे निकालोगे एवरेज स्पीड, मतलब सभी की स्पीड का सम करना, तो इट इज 4+8+6+4+3+4+5+6 होल डिवाइडेड बाय, टोटल कितने लिए अपन ने यहाँ पे एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिए हमने, तो डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे 8 कर दोगे, आंसर आपका जाएगा मीटर पर सेकंड, दिस इज दियर एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। फिर एवरेज स्पीड के बाद अगर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एक और टर्म होता है दिस इज आरएमएस, नाम सुना है कि नहीं, आरएमएस, आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, मीन स्क्वायर मतलब या स्क्वायर का जो एवरेज है वो निकालने है अपन, तो रूट मीन स्क्वायर को हम लिखेंगे वी आरएमएस, ऐसा इट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का मतलब आएगा अंडर रूट 4² + 8² + 6² + 4² + 3² + 4² + 5² + 6² होल डिवाइडेड बाय 8, दिस इज द रूट मीन स्क्वायर, है ना, ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो गई यहाँ पे, समझ गए, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ओके। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऐसे कैलकुलेट करते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट आएगा दिस इज मोस्ट प्रोबेबल का मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल मतलब स्पीड पोसेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स और एटम, एक फिक्स अमाउंट की स्पीड वाले आपको बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ये वाले दिखते हैं आपको, ठीक है, ऐसे। तो ये मोस्ट प्रोबेबल वाले जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल जिनके लिए रहेगी उनको हम बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इधर पे ये नंबर ऑफ एटम और इधर पे इनकी स्पीड लें, किसी की जीरो से लेकर बहुत ज्यादा तक स्पीड होती, बट ये जो है ये जो स्पीड यहाँ पे आएगी जो भी रहे, जैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8 ऐसा, ये मीटर पर सेकंड पे, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ये 10 हो गया, तो 4 से लेकर 6 स्पीड क्या है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल है। बट अगर हम यहाँ पे इस डेटा के अकॉर्डिंग देखें जो हमने लिए है, तो सबसे ज्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है यहाँ पे, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है मीटर पर सेकंड, तो मोस्ट प्रोबेबल आप किसको बोलोगे यहाँ पे कि भाई 4 मीटर पर सेकंड इज द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, बट एक्चुअल में उसमें रेंज होती है ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, उसमें रेंज होती कि इस रेंज के जो मॉलिक्यूल ये मोस्ट प्रोबेबल वाले हैं, क्यों ऐसा है कि भाई इस रूम में जो गैस के एटम्स हैं वो एक थोड़ी हैं और आप काउंट भी नहीं कर सकते, ये बताओ मुझे इस रूम में जो गैस के एटम उनकी एवरेज स्पीड आप इस तरह से निकाल सकते हो क्या, या आरएमएस स्पीड ऐसे निकाल सकते हो क्या, या मोस्ट प्रोबेबल ऐसा बता सकते हो क्या, यहाँ पे तो फाइनाइट नंबर में है ना, आपने काउंट कर लिए बता दिए यहाँ पे,
लेकिन आप जैसे इसी कंटेनर की मैं बात करूं, जैसे ये कंटेनर खुला है चाहे बंद है क्या फर्क पड़ता है, क्या आप इसके अंदर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स की एवरेज स्पीड इस तरह से निकाल सकते हो काउंटिंग करके, कितने होंगे इसके अंदर बता सकते हो? मिलियंस। कैन यू फाइंड आउट हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल इनसाइड दिस कंटेनर? सर अनकाउंटेबल। एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? ऐसा मत बोलना फिजिक्स में कि अनकाउंटेबल है। हाँ, एक एक करके गिनना पॉसिबल नहीं, एक लेकिन एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि नहीं? हेलो, एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि नहीं? लगभग लगभग ये आएगा, मुझे लगता है 5 या 6 सेंटीमीटर, 6 बाई 6। आप क्यूबिकल इमेजिन कर लो, ये चलो 10 बाई 10 का आप क्यूबिकल इमेजिन कर लो, निकाल सकते हो बेटा, इतना मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे जो गैस है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना। नाइट्रोजन आपका कितना परसेंट हो गया, कितने परसेंट ऑक्सीजन नाइट्रोजन है? 79 78 समथिंग 79 एंड 21% क्या है? ऑक्सीजन। ये तो फिक्स हो गया लगभग लगभग हमारे पास में कि कौन सी गैस इसमें भरी है। वॉल्यूम भी पता चल गया, प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, समझ गए कि नहीं? हेलो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे, ये भी पता है आपको। और रूम टेम्परेचर है ये भी पता है, 27 डिग्री या 30 डिग्री आप ले लो। तो क्या आप और आइडियल गैस मान लो, वैसे तो होती नहीं बट एक रफ आइडिया तो आप जरूर लगा सकते हो, PV=nRT से आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जरूर कैलकुलेट कर सकते हो, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए, आया ना भाई? नंबर ऑफ मोल अगर आपने कैलकुलेट कर लिए कि कितनी गैस है कितने मोल है, काम आसान हो गया। आप एक रफ एस्टिमेशन तो बता सकते हो कि भाई हाँ इस कंटेनर में लगभग लगभग इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं इसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ले लूं तो इट इज 10^5 पास्कल, और अगर मैं इसका 10 cm³ ले लूं, है ना, एक 10 cm का क्यूब है तो लगभग लगभग मैं इसको ले सकता हूँ 10^-3 m³ होल डिवाइडेड बाय गैस कॉन्स्टेंट आपका हो गया 8.314 और टेम्परेचर आपको केल्विन में लेना, चलो 300 केल्विन भी मैं ले लेता हूँ, तो लगभग लगभग ये आ जाएगा आपका 1 मोल, चलो रफ एस्टिमेशन 1 मोल के आसपास आपको दिख रहा है। 1 मोल मतलब 6.023 × 10^23 की रेंज में, 22 हो सकता है, 21 हो सकता है, बट 10^21 की रेंज में इस कंटेनर के अंदर है। आप इमेजिन करो कितना बड़ा फिगर है, तो आप 1 by 1 आप काउंट नहीं कर सकते। हाँ, हम एक रफ एस्टिमेशन जरूर कर सकते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पे बताया कि ये है आरएमएस क्या होता है, ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बट आप इस कंटेनर के अंदर आरएमएस स्पीड कितनी आप ऐसे नहीं निकाल सकते, इस मेथड से नहीं निकाल सकते, समझ गए कि नहीं? क्लियर हो गया। मोस्ट प्रोबेबल भी आप इस मेथड से नहीं बता सकते, इवन एवरेज स्पीड भी आप इस मेथड से नहीं बता सकते, बट होती क्या है वो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया कि भाई एवरेज क्या होती है, आरएमएस क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल क्या होती है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए, हेलो समझ गया बेटा? यस सर। ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। देन आते हम आप पेज नंबर 6 पे। This is page number 6. देखो अभी page number 6 पे आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम ideal gas के बारे में समझ लेते थोड़ा सा। Ideal gas, वैसे तो ideal gas होती नहीं है, है ना? जो भी gases होती वो कैसी होती हैं? बताओ जल्दी से। Real gases होती हैं। Real gases होती हैं ना? Ideal तो कुछ होती नहीं है ऐसी। जो भी gas होती वो real gas होती हैं। तो ideal gas कब बोलोगे? रियल गैस
बिहेव लाइक आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर. तो जो रियल गैस होती है वो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस के जैसा बिहेव करती है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कुछ अज्यूम्स हैं यहाँ पे आइडियल गैस के लिए, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के लिए. चलो इनके बारे में हम क्या लिखेंगे आइडियल गैस के बारे में. ये जो गैस के एटम्स हैं, एटम्स आर रिजिड स्फीयर. क्या मानना है आइडियल गैस अगर मानना हमको, तो ये रिजिड स्फीयर होते हैं. आइडियल गैस के लिए जो अज्यूम्सन है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो अज्यूम्सन है, अज्यूम्सन्स ऑफ केटीजी हम बोलते हैं यहाँ पे, assumptions of kinetic theory of gases में. तो kinetic theory of gases में ideal gas के जो assumptions हैं वो ये है ना. तो ideal gas किनको मानना हमें, ideal gas के बारे में क्या क्या information चाहिए. भाई atoms are rigid sphere लेना है कि भाई atoms कैसे होते हैं, rigid sphere होते हैं. दूसरा point, इनका जो volume होता है, actual volume of gas is much less than volume of container. Container के volume से जो actual volume है gas का, actual volume मतलब ये छोटे-छोटे sphere को सबको इकट्ठा कर लो एक मुट्ठी में आ जाएंगे, है ना? तो actual volume of gas is much less than the volume of container. Container मतलब volume of gas आप जिसको बोलते हो, ठीक है? तीसरा point कि gas के atoms के बीच में एंड ऑल द कोलिजन आर इलास्टिक, ऑल द कोलिजन आर इलास्टिक. जो भी कोलिजन होंगे वो इलास्टिक कोलिजन होंगे. एंड दे फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. मतलब जो गैस के एटम्स या मॉलिक्यूल हैं, जो भी कोलिजन हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो उसमें आप न्यूटन्स लॉ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. And all collisions are elastic, rigid sphere. Rigid मतलब जिनको आप दबा नहीं सकते फिर, है ना, break नहीं कर सकते, उतना ही रहेगा उसका size. And fourth point, बहुत important है कि इनके बीच में जो intermolecular forces हैं, जैसे ये X molecule और ये Y है, तो इनके बीच में कोई intermolecular force नहीं लगेगा. So intermolecular force is absent. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स इज एब्सेंट. इंटरमोलिकुलर फोर्स इसमें एब्सेंट है, मतलब फोर्स ऑन एक्स वाई वाई एंड फोर्स ऑन वाई ऑन एक्स, ये वैल्यू आपकी कितनी रहेगी, जीरो रहेगी. इंटरमोलिकुलर फोर्स एब्सेंट है ना, और इंटरमोलिकुलर फोर्स एब्सेंट होने के कारण इनकी जो इंटर पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी आप नहीं ले पाओगे. सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी. हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की, रियल गैस की नहीं. रियल गैस में ये जो फोर्स मैंने लिखा हूं, इट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक है? बट यहाँ पे ध्यान देना, फोर्स ऑन एक्स ऑन वाई एंड फोर्स ऑन वाई ऑन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर रियल गैस. मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आते हैं, ये फोर्स का मतलब यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स है, ये है ना. तो रियल गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है. एंड फिफ्थ पॉइंट बताओ मुझे, व्हाट इज द एनर्जी. भैया हम एनर्जी की बात कर रहे, पूरी फिजिक्स में वही कहानी चलेगी आपकी, फोर्स चलेगा, वेलोसिटी चलेगी, स्पीड चलेगी, एनर्जी चलेगी, वही कहानी चल रही है आपकी. सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस आइडियल गैस. सो एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ओनली ड्यू टू इट्स रैंडम मोशन. इनके रैंडम मोशन के कारण बस है, इट्स रैंडम मोशन. जो एनर्जी है इनकी वो सिर्फ रैंडम मोशन के कारण है. एंड देयरफॉर इट इज काइनेटिक टाइप. सो देयरफॉर इट इज ओनली काइनेटिक. तो ये जो एनर्जी है ना, ये सिर्फ काइनेटिक एनर्जी टाइप की रहेगी.
तो जो एनर्जी होती है आइडियल गैस की, इट इज ओनली काइनेटिक टाइप, पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट इसमें नहीं होगा आइडियल में, रियल गैसेस में आएगा। रियल गैसेस में जो एनर्जी होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी का पार्ट भी रहेगा और पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट भी रहेगा, लेकिन आइडियल गैस में जो एनर्जी रहेगी वो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ठीक है, समझ गए? तो ये कुछ एज्यूम्पशन है, एज्यूम्पशंस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। हाँ क्या बेटा, ये ना कि जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं ना वो एब्सेंट होते हैं आइडियल गैस में। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस आर एब्सेंट। ठीक है, इंटरमॉलिकुलर फोर्स मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, समझ गए? एक मॉलिक्यूल या एटम, है ना, मॉलिक्यूल ले लो या एटम ले लो, जैसे हीलियम है तो वो तो एटम ही रहेगा, लेकिन अगर आप ऑक्सीजन को आइडियल गैस ले रहे हो तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करेगा या रिपेल नहीं करेगा, उसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स नहीं रहेगा। ठीक है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस का मतलब बेटा देख, जो गैस होती है ना आप उसको स्फीयर मानोगे ना, रिजिड स्फीयर, तो एक्चुअल वॉल्यूम मतलब किसके बराबर आ गया, एन इंटू वी नॉट के बराबर, और वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस, जिस कंटेनर में हम गैस ले रहे हैं उसमें बहुत सारा स्पेस कैसा होना चाहिए, खाली होना चाहिए, समझ गए? नहीं तो आप उसको गैस थोड़ी बोलोगे आइडियल गैस। अगर कंजस्टेड होगा इसके पार्टिकल तो गैस बोलोगे क्या, या तो फिर वो लिक्विड हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा, समझ गए? और सॉलिड को पता क्या बोला जाता है, सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है सॉलिड को भी। ठीक है, तो अगर गैस जो अरेंजमेंट है एटम्स का वो बिल्कुल पास पास में हो गया तो फिर आप उसको गैसेस थोड़ी बोलोगे, या तो आप लिक्विड बोल दोगे उसको। भाई तीन स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़े थे ना, बहुत पहले जो पढ़े थे आपने, मुझे लगता है 6th-7th में, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो सॉलिड मतलब जो एटम्स होते हैं वो पास पास में चिपके चिपके रहते हैं, लिक्विड में क्या होता है एटम्स थोड़े दूर दूर रहते हैं, आसानी से इधर उधर मूव कर जाते हैं, और जो गैसेस होते हैं उसमें इतने बहुत दूर रहते हैं, है ना, समझ गए? तो आइडियल गैस के लिए क्या बोल रहे हैं हम, जो एक्चुअल साइज है वो बहुत छोटा है, मतलब अगर आप जो एटम्स या मॉलिक्यूल है उनको सबका इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लोगे पूरा एक कॉर्नर में बैठ जाएंगे वो कहीं पे, बाकी पूरा स्पेस खाली पड़ा रहेगा, समझ गए? क्लियर हो गया कि नहीं? तो उनको हम आइडियल गैस बोल रहे हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही।